नमस्कार, मैडम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी भले ही साथ साथ मिलकर सरकार चला रही हो, लेकिन दो कानूनों को लेकर के बहस छिड़ी हुई है जेडीयू और बीजेपी में। एक तरफ जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराना चाहती है बीजेपी के कई नेता इस पर बयान भी दे चुके हैं, वहीं जातीय जनगणना पूरे देश में हो ये मांग जेडीयू की है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी शुरू से इस मांग को लेकर धरने पर बैठ चुकी है, कई बार प्रदर्शन हो चुका है। लेकिन अब जब बात हो रही है जातीय जनगणना की, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में बातें नहीं बन पा रही हैं, तो जो सीनियर नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मिल बैठकर बातों को समझ लेंगे। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या नियंत्रण कानून को जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी जबरिया कानून कह रहे हैं। क्या कुछ बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी कह रहे थे जातीय जनगणना के मुद्दे पर, वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। अफसोस होता है कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पार्लियामेंट में रहने का बहुत लंबा हमको समय मिला है, लेकिन चर्चा ना करना, विषयों में सदन में बाधा उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है और अति दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार का इसमें विरोधाभास है। विषय इतना है कि दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत होनी है, अध्यक्ष स्तर पर बातचीत हो रही है या होगी, उसके बाद जो भी रास्ता तय होगा वो सबको मान। उस प्रोसेस के हिसाब से हमारे नेता ने समय मांगा है, माननीय प्रधानमंत्री व्यस्त होंगे, किसी कार्य में होंगे, समय आएगा देखेंगे। सुमन से मिलता है कि हमारे सांसदों ने हमारी पार्टी की और देश की जो मांग है, जो शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित की जो मांग है, उसकी पुरकस वकालत कर दी है। समय मिलेगा हमारे नेता को, जरूर देंगे समय, हम लोग तो आशा रखते हैं। प्रधानमंत्री कोई कंप्रोमाइज जेडीयू नहीं करने जा रही है। जनता दल यू ने आज से नहीं, उस समय से, जिस समय लोगों के दिलो दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी, उस समय जनता दल यू ने और सबसे पहले माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना की बात पार्लियामेंट में कही है। वो रिकॉर्ड लोग निकाल कर पढ़ें। कौन पढ़े? बीजेपी पढ़े। सबको पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ताकि मालूम तो हो। तो आपने सुना जेडीयू की ओर से एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना कराया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर समय भी मांगा है। देखने वाली बात यह है कि कब नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, कब उन्हें समय मिलता है। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या नियंत्रण कानून को जेडीयू के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि जबरिया कानून किसी भी हाल में लागू नहीं होगा। ये तमाम बातें जेडीयू और बीजेपी के बीच में जब चल रही हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी कह रही है कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या कुछ होता है आने वाले समय में, उसे आपको जरूर अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।